हाँ देखो बच्चों गौर से, या फर्स्ट आई हैव टेकन हियर अ सर्कल एंड वी हैव टू फाइंड हियर द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। फॉर दिस आई हैव टेकन हियर थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। फर्स्ट देखो आई हैव ड्रॉन हियर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एज एम एन एंड देन वी हैव टू फाइंड हियर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो बच्चों इसको मोर देन हाफ हाफ रेडियस इसका लिया, बी से पहले हमने एक आर्क लगाया फिर सी से हमने आर्क लगाया। बच्चों दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, देन दिस विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। इसके लिए स्टेप्स आप क्या लिखेंगे, वही ड्रा सर्कल ऑफ एनी रेडियस, देन टेक थ्री पॉइंट ए बी एंड सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, देन ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दस ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द सेंटर ऑफ एनी गिवन सर्कल। नेक्स्ट बच्चों द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट टू पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए बच्चों सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छी थ्योरम बच्चों ये। यहां पर देखो देयर आर टू सर्कल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सेंटर्स या ओ एंड ओ डैश, एंड दीज आर द टू कॉमन पॉइंट्स ए बी। बच्चों यदि हम इसको ज्वाइन कर दें ए बी को, देखो यहां पर गिवन है हमारे पास बच्चों टू सर्कल्स सी ओ आर एंड सी ओ डैश एस। आर और एस का मतलब है डिफरेंट रेडियस। बच्चों इंटरसेक्टिंग क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए एंड बी। देखो टू प्रूव देखो ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके ये अब बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ज्वाइन करिए इसको, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन बच्चों। ओके नाउ यहां पर देखो जो ये हमको प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फॉर दिस प्रूफ देखो बच्चों प्रूफ हम क्या प्रूव करना है, फर्स्ट बी टेक ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश अब लुक हियर, देन ओ ए इक्वल टू ओ बी दैट इज रेडियस, देन ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी दैट इज अनदर रेडियस, देन ओ ओ डैश इक्वल टू ओ डैश दैट इज कॉमन साइड। So you have triangle OAO dash congruent triangle OBO dash by side. Then with the help of this you can prove angle 1 equal to angle 2. Angle 1 equal to angle 2 by CPCT. Then in triangle, oh there, look here, OAB and here you can take your point C. Then in triangle OCA and OCB. Look here. What do you look at here? OA equal to OB, that is radius. Then angle 1 equal to angle 2. Angle 1 equal to angle 2. You have proved. Then OC equal to OC, that is common side. So you can write here triangle OCA congruent triangle OCB by SAS. Then AC equal to BC. First thing बच्चों you have proved that this is the bisector of AB. Common side को bisect करता है. But one thing और हमको prove करना बच्चों कि ये दोनों 90 degree angle है. इसके लिए हम क्या करें बच्चों? इसके लिए इसी में लेते हैं क्या? Angle OCA equal to angle OCB. Why?
सीपीसीटी, ये भी सीपीसीटी से आएगा, बट वी नो दैट दिस सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी ऑलवेज 180 डिग्री. हियर लुक हियर एंगल, सिंस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर. एनी डाउट? देयरफोर एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री. तो लुक हियर बच्चों, यहां आपने प्रूव किया कि ए सी और बी सी सेम है, और यहां प्रूव कर रहे हो कि ये एंगल दोनों 90 डिग्री है. देयरफोर हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी. एनी डाउट बच्चों? इस प्रकार से ये यूनिट 10.3 आपकी कंप्लीट हुई. और बच्चों ये सभी थ्योरम्स हैं, कोई क्वेश्चन सिंपल नहीं है, सभी थ्योरम्स हैं, और इन्हीं थ्योरम के बेस पे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, आप बढ़िया अच्छे से पढ़िए और कमेंट करिए, जो आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिए, और यदि आपको कहीं कुछ लगा हो कि समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट कर बताइए मेरे को. ओके बच्चों, थैंक यू.